हिमाचल एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ टूरिस्टों का मेला लगा हुआ रहता है। वहाँ बर्फ ऐसी दिखती है जैसे कि सफ़ेद चादर से ढकी हुई हो, और वहीं एक घना जंगल भी है जहाँ अंधेरा ही छाया हुआ रहता है। वहाँ लोग जाने से भी डरते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर भी उस घने जंगल में नहीं जाते। उनका मानना है कि यहाँ कोई दानव है। अब वहाँ कोई दानव है या जानवर, ये किसी को नहीं पता। सोहन, शीतल और मदन और रेखा, ये चारों भी वहीं घूमने के लिए प्लान बनाते हैं, पर ये वीडियो देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें घूमने जाना है, ना कि ज़िंदगी का आखिरी सफ़र करना है, इसलिए हम लोगों को कहीं और जाने का प्लान बनाना चाहिए। पर उसमें से शीतल बोलती है कि नहीं, मुझे वही जगह पसंद है और वहाँ डरने की भी कोई बात नहीं, मेरा दोस्त महेश वही फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सब लोग अपने पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और अगले दिन ही कार लेकर वो लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रुकते रुकते वो लोग हिमाचल पहुंच जाते हैं और वहां उन लोगों को उनका शीतल का दोस्त महेश भी मिलता है। वो भी शीतल के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। सोहन को ये देख कर काफ़ी जलन हो रही होती है कि वो शीतल के साथ बैठा हुआ होता है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा होता, वो अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देता है। रात हो चुकी होती है काफ़ी, तो सारे लोग सो रहे होते हैं। तभी सोहन को ऐसा लगता है जैसे उसकी कार के आगे से कोई तेज़ी से पार हुआ और वो ब्रेक लगा देता है, और वो ब्रेक ऐसी जगह लगाता है उसके आगे खाई होती है, रोड ख़त्म हो चुका होता है। वो जल्दी से अपनी कार को साइड में लगाता है और सारे लोगों को लेकर बाहर आ जाता है। सब लोग सोहन से पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी और तुम घबराए हुए से क्यों हो। तभी सोहन इधर उधर देख रहा होता है कि उसकी कार के आगे से कौन पार हुआ, और वो देखता है कि रोड पर नींबू मिर्ची पड़ा होता है जिस पर उसकी कार कुचलकर बढ़ चुकी होती है। वो काफ़ी घबराया हुआ होता है, सबको लेकर कार के अंदर आ जाता है और सबको कार के अंदर ही रहने के लिए बोलता है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सोहन को क्या हुआ है। तभी उनका दोस्त महेश बोलता है कि तुम इस जंगल के बारे में नहीं जानते, मुझे सब पता है, इसलिए मैं कार ड्राइविंग करता हूँ, तुम पीछे आकर बैठ जाओ। और महेश फिर कार ड्राइविंग करने लगता है और जंगल वाले रास्ते से अंदर की ओर निकल जाते हैं। तभी वहाँ बर्फ़ का तूफान आने लगता है और वो लोग उसी जंगल में अंदर बढ़ते जाते हैं। चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा और जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा होता है। तभी अचानक से उनकी कार के आगे एक पेड़ टूटकर गिर जाता है, उन लोगों की कार के एक्सीडेंट हो जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। महेश उनसे बोलता है घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, और वो बोलता है कि हमें जहाँ कैंपिंग करनी थी हम वहीं आसपास में ही आ चुके हैं, तो हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। इसलिए वो लोगों को बोलता है कि हम लोगों को अपना सामान लेकर पैदल ही चलना चाहिए, और वो लोग अपना कुछ सामान लेकर कार से पैदल ही निकल पड़ते हैं और कुछ दूरी पे जाकर उन लोगों का कैंपिंग का जगह भी आ जाता है और वो लोग अपना वहाँ पर टेंट वेंट लगा लेते हैं और वहीं पर फिर रहने का इंतजाम करते हैं। मदन और रेखा एक टेंट में रहते हैं, सोहन, शीतल और महेश एक टेंट में, उनके पास दो ही टेंट होता है। वहीं पर वो लोग आग जलाकर बैठे हुए होते हैं और बियर पी रहे होते हैं, पर सोहन कुछ टेंशन में होता है। मदन और रेखा अपने टेंट में चले जाते हैं और महेश भी फिर अपने टेंट में चला जाता है। शीतल सोहन को बोलती है कि हम लोगों को भी चलना चाहिए, पर सोहन बोलता है कि कुछ देर बाद जाएंगे। ये सुनकर शीतल खुद टेंट में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोहन को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो घबरा कर ज़मीन में गिर जाता है और वो भागते हुए अपने दोस्त के टेंट के पास जाता है, पर वो लोग सो रहे होते हैं, तो वो भागता हुआ अपने टेंट में आता है। अपनी टेंट में वो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि शीतल महेश के साथ चादर के अंदर कुछ कर रही होती है और उसके कपड़े बाहर पड़े होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और उसे उठाकर लेकर चला जाता है। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त मदन और रेखा बाहर आ जाते हैं और तभी शीतल भी बाहर आती है अपने कपड़ों को ठीक करते हुए। वो लोग सोहन को आवाज़ लगा रहे होते हैं और टॉर्च लेकर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर तक वो ढूंढ रहे होते हैं, तभी शीतल बोलती है कि हमें अपने टेंट में जाना चाहिए, वो इतनी ठंड में कहाँ जाएगा, आ जाएगा। तभी मदन उस पर गुस्सा होता है, बोलता है अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम अपने टेंट में जा सकती हो, तुम अपने टेंट में रहो, तुम क्या कर रही थी अकेले। तभी रेखा के पैर में कुछ पड़ता है और वो टॉर्च से देखती है तो वहाँ नरकंकाल होते हैं। वो लोग चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ चारों तरफ नरकंकाल ही नरकंकाल होते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर उन लोगों को एक पैर के निशान दिखाई देते हैं जहाँ पे एक छोटे पैर के साथ एक बहुत बड़े पैर का निशान होता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये वेंडिगो है। और शीतल बोलती है कि ये वेंडिगो है, अब तक सोहन भी नरकंकाल बन चुका होगा, हम लोगों को अपने टेंट की तरफ भागना चाहिए, यहाँ हम लोग को नहीं रुकना चाहिए। मदन और रेखा नहीं जाते, शीतल और महेश अपने टेंट की ओर चले जाते हैं।
रेखा मदन से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग चलते हैं ढूंढने के लिए सोहन को। और वो लोग कुछ दूर सोहन को ढूंढते हुए जाते हैं, तभी देखते हैं कि सोहन एक पेड़ के पास घायल बैठा है और दर्द से कराह रहा है। वो लोग सोहन को बोलते हैं अपने साथ चलने के लिए, तो सोहन बोलता है कि नहीं तुम लोग चले जाओ। पर वो लोग उसे गोद में उठा लेते हैं और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एक सूखा पेड़ अचानक से हिलने लगता है और वो वेंडिगो में बदल जाता है। वेंडिगो का शरीर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका शरीर सड़ चुका हो, चारों तरफ कटे छटे फटे निशान होते हैं। वो उनकी तरफ हमला जैसे ही करता है, मदन उसकी आँख में एक लकड़ी डाल देता है जिससे वेंडिगो बहुत गुस्सा हो जाता है। और वो लोग जल्दी से सोहन को लेकर टेंट के पास आ जाते हैं। सोहन को देखते ही शीतल घबरा जाती है और वो बेमन से उसकी तरफ जाती है, पर सोहन उसे मना कर देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ वेंडिगो आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। महेश और शीतल के हाथ में मसाल होती है, वो लोग उस मसाल से उसे डराते हैं। शीतल बोलती है कि आग से वेंडिगो डरता है, उसे आग से दिखाओ वो डर कर भाग जाएगा। पर वेंडिगो महेश को एक हाथ मारता है और वो दूर गिर जाकर गिरता है। और फिर वेंडिगो उसका आँखें निकाल लेता है और फिर उसे चीर फाड़ कर खा जाता है और उसको कंकाल में बदल देता है। फिर वेंडिगो शीतल की तरफ देखता है और शीतल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सोहन एक मसाल हाथ में लेकर वेंडिगो की तरफ कर देता है और वेंडिगो जलने लगता है और दर्द से कराहने लगता है। वेंडिगो फिर उसी मसाल के ऊपर गिर जाता है और उसके पूरे बॉडी में आग लग जाती है। वेंडिगो चीखता चिल्लाता हुआ ख़त्म हो जाता है। मदन और रेखा सोहन से बोलते हैं कि अब हमारे साथ तुम चलो, पर सोहन बोलता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। शीतल उसे झूठा प्यार दिखाने के लिए आती है, तो सोहन उसे बोलता है अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो तुम यहाँ रुक जाओ और इन लोगों को जाने दो। और सोहन फिर मदन को अपनी तरफ बुलाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। मदन ये सुनकर वहाँ से रेखा को लेकर चला जाता है और बस का इंतज़ार करने लगता है। तभी रेखा मदन से पूछती है कि सोहन ने तुम्हें क्या बोला जो कि तुम उसे छोड़ कर आ गए। तभी मदन बताता है कि सोहन अब हमारे जैसा नहीं रहा, उसने कहा कि वेंडिगो एक श्राप है, उसे जो भी मारता है वो वेंडिगो ही बन जाता है। और शीतल को इसलिए उसने रख लिया क्योंकि उसकी सज़ा यही है, उसने जो सोहन के साथ किया है उसकी सज़ा वही है कि उसे वहीं रहना होगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।